सरकार ने की राजनीतिक नियुक्तियां। डॉक्टर चंद्रभान बिसू का उपाध्यक्ष बनाए गए। रामेश्वर डूडी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड। महादेव सिंह खंडीला राजस्थान किसान आयोग। ब्रजकिशोर शर्मा राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। जुबैर खान मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड। धीरज गुर्जर राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की जिम्मेदारी। रफी खान को राज्य अल्पसंख्यक आयोग की जिम्मेदारी। खिलाड़ी लाल बैरवा को राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग की जिम्मेदारी। मेवा राम जैन को राजस्थान गो सेवा आयोग की जिम्मेदारी। हाकम अली राजस्थान वक्फ विकास परिषद। डूंगर राम गैदर उपाध्यक्ष शिल्प एवं माटी कला बोर्ड की जिम्मेदारी। लाखन सिंह मीणा को डांग क्षेत्रीय विकास मंडल की जिम्मेदारी। जोगिंदर सिंह अवाना को देव नारायण बोर्ड की जिम्मेदारी। कृष्णा पुनिया को राज्य क्रीड़ा परिषद की जिम्मेदारी। धर्मेंद्र सिंह राठौर को पर्यटन विकास निगम की जिम्मेदारी। पोखराज पाराशर को जन अभाव उपयोग की जिम्मेदारी। निराकरण समिति दरअसल की जिम्मेदारी है। भवरू खान को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जिम्मेदारी। रिहाना रियाज चिश्ती को राज्य महिला आयोग की जिम्मेदारी। गोपाल सिंह शेखावत वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी। मानवेंद्र सिंह राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति की जिम्मेदारी। लक्ष्मण सिंह रावत मगरा क्षेत्रीय विकास मंडल की जिम्मेदारी। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण। राजेंद्र सोलंकी राज्य पशुधन विकास बोर्ड की जिम्मेदारी। तो धर्मेंद्र सिंह राठौर साहब मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पर्यटन विकास निगम की जिम्मेदारी इनको मिली है। राठौर साहब स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी थैंक यू। सर कैसे इस चुनौती को आप लेते हैं, इस जिम्मेदारी को लेते हैं, क्या क्या अब इसके बाद आपका खुद का टारगेट होगा इस विकास निगम में, कहा जाए कि आगे बढ़ाने को लेकर, पर्यटन को पंख लगाने को लेकर? देखिए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जब भी मुझे कोई जिम्मेदारी दी है जी, वो चाहे बोर्ड कॉरपोरेशन की हो, चाहे संगठन में काम करने की हो और चाहे चुनाव में काम करने की हो, मैंने कोशिश की है कि मैं लगन से निष्ठा से और डेडिकेशन के साथ काम करूं। और जब कोई व्यक्ति लगन निष्ठा और डेडिकेशन से काम करता है तो निश्चित रूप से उसमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं जी। मुझे पिछली बार जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तब भी मुझे सीड कॉरपोरेशन में चेयरमैन बना के एक जिम्मेदारी दी जी, और मैंने उसमें भी बहुत अच्छा काम किया। आज भी सीड कॉरपोरेशन में लोग मुझे याद करते हैं। मुझे मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने, तब डॉक्टर चंद्रभान जी प्रदेश अध्यक्ष थे जी, मुझे प्रदेश कांग्रेस में सेक्रेटरी का जिम्मेदारी दी और मुझे जो जिम्मेदारी संगठन में दी मैंने पूरी निष्ठा के साथ वो काम भी किया। राठौर साहब इस बार तो डबल चैलेंज ना सर, तीन साल से मेरे पास कोविड था अभी भी कोविड पूरी तरीके से गया नहीं, लोगों के मन में डर है, पर्यटन को पंख लगाने आपको है और वही मेन कमाई का जरिया आपके राजस्थान का है, तो कैसे इससे निपटेंगे? वही मैं आपको कह रहा हूँ, वही आप मेरी बात सुने, वही मैं कह रहा हूँ कि अभी तीन साल में राजस्थान में उपचुनाव विधानसभा के 8 हुए हैं और जहां जहां मुझे जिम्मेदारी दी मैंने कोशिश की कि पूरी निष्ठा के साथ काम करूं और रिजल्ट बहुत अच्छे आए। 8 में से 6 कांग्रेस जीती है, केवल एक बीजेपी जीती है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता है। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना में बेहतरीन प्रबंधन किया उसका कारण है और हमारे मुख्यमंत्री जी की तारीफ हम कांग्रेस के लोग और राजस्थान के लोग ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने भी कोरोना प्रबंधन की रोल मॉडल है उसकी तारीफ की। अब चूंकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में, देश में और राजस्थान में भी उद्योग जगत पे बहुत बड़ा संकट आया और राजस्थान में उद्योग का जो सबसे बड़ा जरिया है वो टूरिज्म है, तो निश्चित रूप से टूरिज्म बिल्कुल एक तरह से बहुत क्राइसिस में है और ऐसी स्थिति में मुझे टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन का चेयरमैन बनाने की जिम्मेदारी दी है तो निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती से भी हम करेंगे और आप देखेंगे कि अंग्रेजी में कहा होता है कि व्हाट यू से दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट व्हाट यू एक्ट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। अभी आने वाले समय में कि कैसे राजस्थान में आरटीडीसी का जो बहुत बड़ा एक बहुत ही इतना इतिहास है, बहुत ही सुंदर इसकी संस्कृति है, बहुत ही इसका समृद्ध हिस्ट्री है, इसको वापस लौटाएं और इसकी जो पैलेस ऑन व्हील है जिसकी ख्याति पूरे दुनिया में है
उस पैलेसोन व्हील को कोरोना के बाद में अच्छे से अच्छा रन करवाएं और देश का और दुनिया का टूरिज्म वापस यहाँ आए और जो होटल है आरटीडीसी की जो मोटल है उनको बदले हुए सामाजिक परिवेश में बदली हुई दुनिया में जो कैसे प्राइवेटाइजेशन में अच्छी होटल कंपटीशन कर सके उसके लिए भी हम अच्छा मुकाबला कर पाए इसके लिए ब्लूप्रिंट बनाएंगे और मुख्यमंत्री जी से सहयोग होगा उनका आशीर्वाद हमारे साथ है तो पूरी ताकत के साथ में हम आरटीडीसी को अच्छी पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। अभी सर पूरी तरीके से जो गाइडलाइंस है उसमें ढिलाई या छूट नहीं दी गई है। दूसरा ये कि अभी कोविड पूरी तरीके से गया नहीं है, सावधानियां बरतनी है। आज ही 1000 रुपीज के आसपास जो है कि मास्क नहीं लगाने पर बकायदा चालान का प्रावधान तय कर दिया गया है और आपके पास जुम्मे जुमा वक्त मुझे लग रहा है कि 1.5-2 साल के आसपास का है तो समय कम है, काम ज्यादा करना है। देखिए आपने एक फिल्म देखी है एक दिन का मुख्यमंत्री, बिल्कुल काम करने वाले के लिए तो काम करने वाले के लिए तो कोई समय का उसमें बंधन नहीं है और न करने वाले के लिए तो कितना ही समय हो तो भी बेकार है। कम समय में ज्यादा बेटर मैनेजमेंट के साथ काम कर सकें तभी तो आप आरटीडीसी को पाओगे 6 महीने बाद, साल भर बाद की वास्तव में यह काम हुआ है वो कोशिश करेंगे। अच्छा अच्छा, आप भी मानते हैं कि नियुक्तियां पहले हो जानी चाहिए थी, थोड़ी देरी हो गई है, लेट लतीफी हो गई है? नहीं, ये सब देखिए मुख्यमंत्री जी का पार्टी हाईकमान का डिसीजन होता है। हाँ। इसमें पहले हो जानी चाहिए या नहीं हो जानी चाहिए इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने समय चुना वो हाँ। बहुत बेहतरीन समय है और हमको तो जो काम दिया है वो काम करना है। हाँ। पहले होता बाद में होता ये कमी गिनाने का काम नहीं है। इस समय में कितना अच्छा कर सके हैं। और एक बात और बता दूं आपको जी। कि राजस्थान में 3 साल से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हाँ। यहाँ पर सियासी उठापटक भी बहुत हुई है, उसका भी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमने मुकाबला किया है। यहाँ पे जो कोरोना के बाद में उद्योग जगत पर रोजगार पर संकट आया उससे भी हम उभरे हैं और उपचुनाव जी लड़े हैं उसमें कहा कि 8 में से 6 कांग्रेस पार्टी जीती है और बड़े अंतर से जीती है जी। और आप ये करोगे ताजुब कि जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की जो परंपरा रही है राजस्थान में, इस बार 2023 के चुनाव में राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनाएंगे, इस संकल्प के साथ हम काम करेंगे। अच्छा, जो विभाग मिला है आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? अरे कमाल कर रहे हैं विभाग, हम खुश बहुत खुश हैं। हाँ। कि जो विभाग अच्छा कम ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आपका इरादा है। हाँ। हमारा इरादा राजस्थान के भलाई में है। हाँ। हमारा इरादा अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो उनकी परिकल्पना है कि राजस्थान के टूरिज्म को मैं कितना अच्छा कर पाऊं, ये मेरा इरादा है। बहुत अच्छा, ठीक है सर, बड़ा अच्छा लगा कि आप मजबूत इच्छा शक्ति के साथ इस विभाग को आगे बढ़ाने की पूरी कहा जाए कि पूरी नीयत के साथ इसमें आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी राजस्थान की तरफ से एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के पर्यटन विकास को वाकई में पंख लगे। आपके कंधों पर यह जिम्मेदारी है, वक्त कम है, काम ज्यादा करना है और आप जैसा कह रहे हैं कि हम काम करने वालों के लिए वक्त का कोई मायने नहीं रखता है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में राजस्थान का जो पर्यटन विकास था वो एक बार फिर से पटरी पर लौट आए। धन्यवाद।